Assalamualaikum friends, my name is Yusra Ahmed and I am 8 years old and this is our YouTube channel Cooking with Kids Food Secrets. Today we brought a new and different recipe for you. The recipe name is Stuffed Potatoes. So let's start our recipe. In step 1, we need 1/2 cup oil, 1/2 kg onion. We cook it until golden brown. If you are new on our channel, so please share my recipe. We need ginger garlic paste 1 tablespoon, green chilies 5 to 6, and we need imli 1 tablespoon. We will cook it only for 2 minutes. Please subscribe my channel. If you are new on my channel, so please share my recipe. Now we add 4 chopped tomatoes. We again cook it only for 2 minutes. Please friends, your only one click and change my whole life. Now we add spices. Salt 1 1/2 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, turmeric powder 1 teaspoon, dhania powder 1 tablespoon, zira powder 1 teaspoon, and chili flakes 1 tablespoon. Now we mix all spices very well and cook only for 1 minute. Now we add 1 liter water. And we'll cook until water dry. Our masala will be tender. So we cover it. And we will cook it on very low flame. Like this. Now we start our step 2. We need onion 1 large, ginger garlic paste 1 tablespoon, and green chilies only 3. We need oil only 3 tablespoon. Now we will cook it until golden brown. Allah Ta'ala aapke rizq mein izafa kare aur aapke wasile se hamare rizq mein bhi izafa kare. Ab hum isme dalenge chicken ka keema 1 kg aur ise tab tak pakayenge jab tak ye white na ho jaye. So friends, ये recipe बहुत yummy है. It's very easy to cook and very very yummy to eat. You absolutely try it. अपनी family को ये recipe बनाकर ज़रूर खिलाइए. आपकी family इस recipe को ज़रूर like करेगी. It's my promise to you. I am Yusra Ahmed and I am in kitchen with my mom. Salt 1 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, dhania powder 1 teaspoon, zira powder 1 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, and last spices chili flakes 1 teaspoon. Cook for only 1 minute. Now we add water 1/2 glass.
हमने पानी इसलिए डाला है ताकि चिकन का कीमा अच्छे से गल जाए। पानी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। अब हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई हो जाए। आइए अब हम चिकन को चेक करते हैं। ओ वाओ, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। हमने इसमें घी भी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसके साथ हमने स्टफिंग करनी है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना और धनिया। आधा धनिया हमने बचा लिया है गार्निश के लिए। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम अनारदाना शामिल करेंगे, पहले नहीं करेंगे। हमने थोड़ा सा धनिया और ऐड किया है। वी नीड पोटैटोज 1.5 kg। पोटैटोज को हमने बॉयल कर लिया था। इसे सेंटर में से हाफ करेंगे। हम एक स्पून की मदद से पोटैटो को हाली कर देंगे। सेंटर में से हाली कर देना है। ये आप बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ करें, नहीं तो पोटैटो टूट जाएगा क्योंकि हमने पोटैटोस को बॉयल किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। बड़े आराम से प्यार से पोटैटो को हाली कर लें। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, पोटैटो हमने अच्छी तरह से सेंटर में से हाली कर लिया है और हमारा पोटैटो टूटा भी नहीं। हमने बाकी सारे पोटैटोज भी देखिए इसी तरह से हाली कर लिए हैं और ये कितने कूल लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेंटर में से जो हमने पोटैटो निकाले हैं वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। इनको अच्छे से मैश करके हम इनको कीमे में ऐड करेंगे क्योंकि अल्लाह का रिज़क ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। नाउ वी ऐड ऑल पोटैटोज इन चिकन माइंस। We will mix it very very well. It's make a brilliant taste. अब हम इस मटेरियल को पोटैटोज में स्टफ करेंगे। है ना कूल आइडिया? कीमा होल के अंदर होना चाहिए, होल से बाहर नहीं होना चाहिए। ऊपर से हम स्पून की मदद से लेवल प्रेस कर देंगे। पोटैटोज की जो बाउंड्री है वो नज़र आनी चाहिए। इसी तरह से हम सारे पोटैटोज की स्टफिंग करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। यह आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। ये देखिए माशाल्लाह, हमने सारे पोटैटोस को स्टफ कर लिया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए अब हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। वाओ, इट्स डन। ऑल वाटर इज ड्राई एंड ऑयल इज रिलीज्ड। इट्स
मीन इट्स कुक। स्टफिंग करते हुए कीमा थोड़ा बच गया था, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। इसकी वजह से ग्रेवी का टेस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आलूओं को दम देंगे। वन बाय वन तमाम स्टफ पोटैटोस ग्रेवी में रखते जाएंगे एंड द फ्लेम शुड बी वेरी वेरी लो, क्योंकि दम लगाने के लिए फ्लेम हमेशा लो ही होना चाहिए। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कमाल की रेसिपी है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं हमेशा आपके लिए एक न्यू और डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आती रहूँगी। नाउ आई विल गार्निश इट विद टोमेटो केचप, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केचप। We will drop on every potato. सारे potatoes पे हम थोड़ा थोड़ा केचप डाल देंगे और साथ ही हरा धनिया भी छिड़क देंगे। केचप की वजह से इसका टेस्ट बहुत आला हो जाता है। अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो आइए चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद किड्स फूड सीक्रेट्स। नाउ आई विल सर्व इट, यू कैन ईट इट विद राइस और चपाती। इसका कलर देखें कितना कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। युसरा अहमद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।